हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक सिंपल से सिंड्रोम की। सिंड्रोम का नाम है प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम। ठीक है, सो सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी 5 मार्कर पूछा जाता है इसके ऊपर थर्ड ईयर के अंदर। ठीक है, प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट MDS एग्ज़ाम में प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम में। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम क्या होता है? ये एक टाइप है हेरिडिटरी इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस सिंड्रोम की। ठीक है, तो इसको हेरिडिटरी इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंट होता है ये। ठीक है, इसका दूसरा नाम है इंटेस्टाइनल हमाटोमेटस पोलिप्स इन एसोसिएट विद म्यूकोक्यूटिनस मेलानोटिक मैक्यूल। इसमें क्या दिखता है, इंटेस्टाइनल पोलिप दिखते हैं जैसे गार्डनर सिंड्रोम में दिखते हैं, सेम वैसे ही, और उसके साथ साथ म्यूकोक्यूटेनियस म्यूकस मेम्ब्रेन पे और स्किन के ऊपर मेलानोटिक मैक्यूल दिखती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटेस्टाइनल हमाटोमेटस पोलिप्स इन एसोसिएशन विद म्यूकोक्यूटेनियस मेलानोटिक मैक्यूल नाम दिया गया है। सो दिस इज द अदर नेम ऑफ प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम। दिस इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, इंटेस्टाइनल हमाटोमेटस पोलिपोसिस दिखते हैं इसके अंदर, और उसके साथ साथ क्या दिखता है अपने को, उसके साथ साथ अपने को दिखता है म्यूकोक्यूटेनियस मेलानोटिक मैक्यूल। ठीक है, सो दिस इज द पॉलीपोसिस। ये हमने गार्डन सिंड्रोम में भी देखा था, लार्ज पॉलीपोसिस दिखती हैं। तो यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस दिखती हैं। ठीक है, सेम एज ए गार्डन सिंड्रोम। और क्या दिखता है, ओरल पेरीओरल, यहाँ पे देखो मेलानोटिक मैक्यूल दिख रही हैं बहुत सारी, लिप जो क्रॉस करनी है वर्मेलिन बॉर्डर को, बकल म्यूकोजा पे दिख रही हैं, पैलेट पे भी दिख रही हैं कुछ। तो ये पेरीओरल ओरल मैक्यूल दिखती है। ठीक है, और बकल म्यूकोजा पे, पैलेट पे, जिंजिवा पे भी मैक्यूल दिखती है, मेलानोटिक मैक्यूल्स दिखती हैं। मैक्यूल्स की जो साइज रहती है 1 to 5 mm तक रहती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस होते हैं उसके कारण जो चांसेस ऑफ कैंसर होते हैं रिलेटिव रिस्क बढ़ जाती है 50 times, नॉर्मल से 15 times मोर चांसेस रहते हैं कि कैंसर होने के। और कैंसर किस किस के होते हैं, GIT का कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाज का हो सकता है, ल्यूमिनल ऑर्गन जितने भी है उनका कैंसर हो सकता है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो सकता है, और लंग्स कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर अपने को प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम में दिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना, GI कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, ल्यूमिनल ऑर्गन कैंसर, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनका कैंसर, और लंग का कैंसर, ये हम लोग देखते हैं। तो चांसेस ऑफ द एनी कैंसर इंक्रीजेज इन द प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम। ठीक है, 50 times मोर इन द प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम। ठीक है, अगर जिस बंदे को, इंडिविजुअल को प्यूट्ज़ेगर है, उस बंदे को चांसेस हैं कि अदर कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हैं, बट 15 times मोर है कंपेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल। अब आता है नाम प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम क्यों बोलते हैं। दो लोगों ने इस पर स्टडी की थी, एक प्यूट्ज़ ने की थी 1921 में, और जेगर ने की थी, डिस्क्रिप्शन किया था 1944 और 1949 में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट पेश, इसने डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट दी थी 1994 में भी दी थी और 1949 में दी थी। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के नाम से इसको प्यूट्ज़ेगर सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम अपन ने डिस्कस किया था, सिंड्रोम क्या होता है वो अपन ने डिस्कस किया था जब गार्डनर सिंड्रोम अपन ने पढ़ा था तब। नेक्स्ट है इटलोजी। इटलोजी क्या रहती है, बेसिकली इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन होता है। किस में होता है, एक जीन होता है जिसको बोलते हैं एस टी के जीन इलेवन। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है सीरीन थ्रियोनिन काइनेज 11। ठीक है, इसकी लोकेशन होती है 19 नंबर क्रोमोजोम शॉर्ट आर्म, पी मतलब शॉर्ट आर्म, 13 नंबर का बैंड, और सब बैंड है वो 3 है, 13 नंबर के बैंड के अंदर एक सब बैंड है 3 नंबर का, उसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट रहता है, और इसके अंदर जर्मलाइन म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से क्या रहता है, ये इनहेरिटेंट होता है। ठीक है,
तो जीन होता है वो मोस्ट केसेस में यही लोकेशन होती है सेम 19p13.3, ठीक है। जो इसकी पेनिट्रेंस होती है जीन की इस वेरिएबल होती है और ये फिनोटाइपिकली मैनिफेस्ट करता है अमंग द पीपल विद द प्यूटजिगर सिंड्रोम। लाइक क्या कर सकता है ये, पोलिपोसिस करता है। तो इसमें क्या रहता है, पोलिपोसिस करता है और जो डिफरेंट टाइप के जो मैक्यूल फॉर्मेशन होते हैं, मेनोटिक मैक्यूल फॉर्मेशन होते हैं, वो इसी जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। जो इसकी जो इटियोलॉजी है, ये कैसे करता है ये किसी को पता नहीं है, अननोन है। बट इसको STK11 जीन है, उसको ट्यूमर सप्रेसर जीन माना गया है। ये एक जीन है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो इसमें क्या होता है कि इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, जिससे कि ये जो जीवन सेल की जो जीवन फेज होती है कोई भी सेल की, जो ग्रोथ करने की सेल साइकिल की, तो उसके अंदर सोमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ द अनअफेक्टेड एलील वो STK11 हो जाता है, ठीक है, STK11, ठीक है। उसकी वजह से बोलते हैं कि ये प्यूटजिगर सिंड्रोम है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम तो ये याद रखो कि STK11 में म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन और ये सब भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। STK11 म्यूटेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम में नीट MDS में पूछ सकते हैं। और ये लोकेशन याद रखो, ये कभी कभी नीट MDS में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर, क्या क्या दिखते हैं, ये सब रेस में दिखता है, जितनी भी रेसेस रहती हैं सब में दिखता है, मेल और फीमेल में इक्वली दिखता है। मेल की जो डायग्नोसिस जिस एज में होता है मोस्टली 23 ईयर में होता है, और फीमेल में एट द एज ऑफ 26 ईयर रहता है। और जिस बंद जो इंडिविजुअल को प्यूटजिगर होता है उसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहती है, मतलब फैमिली में पहले किसी को हुआ रहता है प्यूटजिगर सिंड्रोम, उसकी वजह से इनिटेंट करता है ये, ठीक है। तो कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है, किसी को हुआ रहता है। अब प्रिंसिपल कॉज जो मॉर्बिडिटी होती है वो क्यों होती है प्यूटजिगर सिंड्रोम में, तो इसके डिफरेंट रीजन है। पहला रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द और इंटरसेप्शन होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन का और कोलन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है 43% केसेस में। एब्डोमिनल पेन होता है, वो होता है 23% केसेस में। हिमेटोसेजिया क्या रहता है कि फ्रेश ब्लीडिंग होती है, जब कोई भी इंडिविजुअल स्टूल पास करता है तो उस टाइम फ्रेश ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं हिमेटोसेजिया। तो वो 14% केसेस में होती है, और कोलन का प्रोलेप्स होता है, कोलन पॉलिप का, वो 7% केसेस में। तो दीज आर द मोरबिडिटी मोस्टली सीन इन द प्यूटजिगर इंडिविजुअल और प्यूटजिगर पेशेंट, ठीक है। उसके बाद में यंग पेशेंट में मोस्टली क्या देखने को मिलता है, बाउट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, तो सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, अनएक्सप्लेन्ड इंटेस्टाइन ब्लीडिंग होती है, और जो फीमेल होती है उनके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है इरेगुलर, तो इनके जो सेक्स कोड रहता है उसके अंदर ट्यूमर हो जाता है, उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर रहता है फीमेल के अंदर। तो ये तीन मोस्टली जो यंग पेशेंट है, ये तीन फीचर्स देखने को मिलते हैं मोस्टली यंग पेशेंट में। अब क्यूटिनेस, जो क्यूटिनेस हैं वो पिगमेंटेशन क्या क्या दिखते हैं, म्यूकोक्यूटिनेस पिगमेंटेशन कहाँ कहाँ दिखते हैं, साइज अपने पहले बता दिया 1-5 mm के मैक्यूल दिखते हैं। तो पेरियोरल रीजन में सबसे ज़्यादा दिखते हैं 94%, ठीक है, और मोस्टली जो क्रॉस करते हैं वर्मिलियन बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, जो लिप के ऊपर जो बॉर्डर होता है वर्मिलियन बॉर्डर उसको क्रॉस करते हैं 94% मैक्यूल। पेरिनेजल दिख सकते हैं नोज के चारों तरफ, ठीक है। डोर्सम और वेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ द हैंड एंड फीट पे दिखते हैं, हाथों के डोर्सल और वेंट्रल आस्पेक्ट पे दिखते हैं। फिंगर और टोज पे भी अपने को देखने को मिलते हैं मेलनोटिक मैक्यूल। नेक्स्ट है इंट्राओरली कहाँ दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द 66% जो मैक्यूल दिखती हैं वो बक्कल म्यूकोजा पे दिखती हैं अपने को, और जो मैक्यूल्स हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पे रेयरली दिखती हैं, बट रेयर होती हैं इतना। इंटेस्टाइन में ओनली वी कैन सी द मल्टीपल पोलिप्स, ठीक है। और क्या मैनिफेस्टेशन दिखते हैं इसके अंदर, प्रीकोशियस प्यूबर्टी देखने को मिल सकती है, ऐसे पेशेंट के अंदर प्रीकोशियस प्यूबर्टी अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है। दूसरा रेक्टल पोलिप और रेक्टल मास देखने को मिल सकता है अपने को, टेस्टिकुलर मास भी देखने को मिल सकता है। गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिल सकता है, और ग्रोथ फास्ट हो जाती है बिकॉज जो सर्टोरी सेल है उनके अंदर ट्यूमर हो जाता है, उससे हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है कंपेयर टू द नॉर्मल ग्रोथ स्प्रेड।
तो ये अदर मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पेशेंट को ओरल पिगमेंटेशन, याद रखना ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को याद रहे कि पेरी ओरल पिगमेंटेशन दिखते हैं, मैक्यूज मेनोटिक मैक्यूज दिखती हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस दिख रहा है। ये जो कैंसर है वो कैंसर कौन कौन से हो सकते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, यूट्रस का कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर मेल में भी दिखेगा फीमेल में भी दिखेगा, स्टोमक कैंसर हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है और टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। तो ये जो कैंसर होने के चांसेस है वो 50-fold मोर होते हैं प्यूट जिगर पेशेंट में। ये सब कैंसर याद रखना, ये सब कैंसर लंग कैंसर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोरेक्टल, टेस्टिकुलर, यूटेराइन, ओवेरियन, पेनक्रियाटिक और ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ये कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देख लो तुम फिंगर्स पे, ये मेलोनोटिक मल्टीपल मेलोनोटिक मैक्यूज दिख रही हैं फिंगर्स पे, यहाँ पे भी हाथों पे दिख रही हैं मेलोनोटिक मैक्यूज दिख रही हैं बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे मेलोनोटिक मैक्यूज दिख रही हैं फिंगर टिप्स पे। अब आया हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी वैसे तो कोई इसका हिस्टोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो ये मतलब 10x व्यू पे आप लोग देख सकते हो, ये फोटो मैंने इंटरनेट से लिया है। तो यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स दिख रही हैं इंटेस्टाइनल की, ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ मसल्स, ये आगे देखेंगे, ये जो है ना ये पोलिप बने हुए हैं, बहुत सारे पोलिप, ये पोलिप बने हुए हैं, पोलिप, ये पोलिप बने हुए हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, मल्टीपल पोलिप्स हैं। यहाँ पे देख रहो ये पोलिप है, ये पोलिप है, पोलिप बने हुए हैं सर, ठीक है। और इसके अंदर क्या जो स्मूथ मसल है एक्सटेंसिव, सो स्मूथ मसल एबोराइजेशन दिखता है इसके अंदर थ्रू आउट द पोलिप विद अपेरेंस ऑफ द स्यूडो इन्वेजन बिकॉज सम ऑफ द एपिथेलियल सेल्स कैन इन्वेट। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्मूथ मसल्स दिख रहा है, इन्वेजन दिख रहा है, एबोराइजेशन दिख रहा है, स्मूथ मसल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर, ठीक है। ये थी हिस्टोपैथोलॉजी। ट्रीटमेंट अपन करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, जैसे किस प्रकार का ट्यूमर है, कहाँ पे कैंसर हो रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो दिस इज अबाउट द प्यूट जिगर सिंड्रोम। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि कौन सा जीन है, जीन। दूसरा क्वेश्चन लोकेशन क्या है जीन की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिखता है, इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस प्लस म्यूकोक्यूटेनियस मेलनोटिक मैक्यूल दिखती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना। सो दिस इज अबाउट द प्यूट जिगर सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, ठीक है। दिस इज अबाउट द प्यूट जिगर। सो प्लीज़ do like, share एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करो, और ये क्वेश्चन ध्यान में रखो, ST के जो 11 जीन है उसमें होता है 19 क्रोमोजोमन 19 नंबर, शॉर्ट आर्म जो कि पी आर्म है 13 नंबर बैंड एंड 0.3 मीन्स सब बैंड नंबर 3, ठीक है। उसमें होता है किसने दिया था, प्यूट्स और जेगर ने दिया था, 1921 में दिया था और जेगर ने 1942 पेपर दिए थे, उसने रिपोर्ट दी थी 1944 और 1949, ठीक है। ये तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द प्यूट जेगर सिंड्रोम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।